मैटाहरिस्टिक एल्गोरिदम्स क्या होती है? सो मैटाहरिस्टिक एल्गोरिदम्स आर स्मार्ट टेक्निक्स यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स। सो मैटाहरिस्टिक एल्गोरिदम्स क्या है? हाई लेवल मेथड्स जिनका यूज़ करके हम किसी भी प्रॉब्लम का नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम्स जिनका एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकालना डिफ़िकल्ट होता है यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड्स, इन सच केसेस हम मैटाहरिस्टिक ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करके नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हेन ट्रेडिशनल मेथड्स ईदर फेल और टेक टू मच टाइम टू फाइंड आउट सॉल्यूशन, इन सच केसेस मैटाहरिस्टिक एल्गोरिदम्स आर हेल्पफुल। मैटाहरिस्टिक एल्गोरिदम्स में रैंडमनेस का यूज़ किया जाता है। सो वी हैव रैंडम एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन स्ट्रेटजीज टू फाइंड आउट गुड और नियर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिदम, नेचर इंस्पायर्ड एल्गोरिदम में वो एल्गोरिदम आती है जो कि नेचुरल प्रोसेसेस से इंस्पायर्ड होकर डिज़ाइन की जाती है, जैसे कि नेचुरल इवैल्यूएशन, एनिमल्स बिहेवियर, फिजिक्स बेस्ड, केमिस्ट्री बेस्ड एंड अदर। सो इवैल्यूएशनरी एल्गोरिदम जैसे कि जेनेटिक एल्गोरिदम, ये क्या है? एक इवैल्यूएशनरी एल्गोरिदम है दैट इज इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल इवैल्यूएशन। और अदर इवैल्यूएशनरी एल्गोरिदम जैसे कि डिफरेंशियल इवैल्यूएशन एंड इवैल्यूएशनरी स्ट्रेटजीज। नेक्स्ट है स्वॉर्म इंटेलिजेंस एल्गोरिदम्स, जो कि कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ग्रुप एनिमल्स और इंसेक्ट से इंस्पायर होकर डिज़ाइन की जाती है। इसमें हमारे पास है PSO, ACO, आर्टिफिशियल बी कॉलोनी, बैट एल्गोरिदम, फायरफ्लाई, लाइक दैट वी हैव अ नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स। सो हियर वी हैव कुकू सर्च एल्गोरिदम।